लास्ट तक किसका डिटेक्शन किया था, फास्फोरस का कि सल्फर का? दोनों हो चुके हैं ना, फास्फोरस सल्फर, फास्फोरस नहीं हुआ शायद, ध्यान है किसी को कि नहीं? ये कपिल, चलो कुछ नहीं, तो चलो नोट करना है डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस। मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, टॉपिक नोट करना है, बस हाफ एन आवर 45 मिनट्स की क्लास होगी। डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस, डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस। सल्फर का हमने कल डिटेक्शन कर लिया था, सल्फर के डिटेक्शन में और बताएंगे क्या इसमें सल्फर का डिटेक्शन हो पाएगा कि नहीं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट से, Na2FeCN5NO। कल मैंने बताया भी था, खुद ट्राई करना इसको, इससे हो पाएगा कि नहीं Na2FeCN5NO। हो पाएगा डिटेक्शन कि नहीं? ध्यान देंगे, इससे ना सल्फर का डिटेक्शन नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि ये सफिशियंट एच प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये वीक एसिड है, इसलिए मीडियम हम लिखना पड़ेगा। अगर मान लो मीडियम एसिडिक होता तो नो डिटेक्शन, क्यों? क्योंकि ये वीक एसिड है, तो ये एच प्लस आयन H2- आयन सफिशियंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, जिसकी वजह से डिटेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम मीडियम एल्काइन कर देंगे, सही ना, अगर हम मीडियम क्या कर देंगे, एल्कलाइन, मीडियम बेसिक कर दिया, तो उस केस में सल्फर का डिटेक्शन हो पाएगा बेसिक मीडियम में। तो यहाँ पे सल्फर, सल्फर विल बी डिटेक्टेड, Na2 वो आता ना Na4 सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का कॉम्प्लेक्स NOS, ये कल बताया था मैंने, वायलेट कलरेशन आ जाएगी इसकी। तो ये मैं कल क्वेश्चन बताया था, एसिडिक मीडियम होगा तो डिटेक्शन नहीं हो पाएगा, अगर मीडियम बेसिक है तो डिटेक्शन हो जाएगा। चलो अब नोट करना है डिटेक्शन ऑफ फॉस्फोरस, जो मैंने ऊपर लिखा है डिटेक्शन ऑफ फॉस्फोरस। तो जैसे सल्फर को मैंने कन्वर्ट किया था सल्फेट आयंस के अंदर, ऐसे ही फॉस्फोरस, पहली बात तो ये कि ये लेसेंस टेस्ट से डिटेक्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, लेसेंस टेस्ट से डिटेक्ट नहीं होगा ये डिटेक्ट होगा किससे? दो टेस्ट हैं इसके लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट, अमोनियम, कल मैंने बताया भी था नाम इसका, मोलिब्डेट टेस्ट, क्लियर, अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट। इसमें क्या होगा, फॉस्फोरस है, H2O2 डाला, या फिर कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, जैसे HNO3 डाल दिया, तो इससे मिल जाएगा H3PO4। इसमें Na2O2 भी डाल सकते हैं, ध्यान रखना Na2O2, Na2O2 डालोगे तो भी मिल जाएगा तुम्हें, जैसे Na3PO4 फॉस्फेट आयंस, सही ना, फॉस्फेट आयंस तब भी मिल जाएंगे, PO4 3-, ये भी डाल सकते हैं, या फिर Na2CO3, एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट जिसे हम कहते हैं मैग्नीशिया मिक्सचर, सॉरी जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, फ्यूजन मिक्सचर, Na2CO3 प्लस KNO3, ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछते भी हैं, एक इसमें एल्कली है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक क्या है एल्कली, दूसरा क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसे क्या बोलते हैं, फ्यूजन मिक्सचर, क्लियर, दिस इज कॉल्ड एज फ्यूजन मिक्सचर। ये डालेंगे तो इससे भी फॉस्फेट आयंस मिल जाएंगे, इससे भी क्या मिल जाएंगे, फॉस्फेट आयंस, और उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उससे हम अब फॉस्फोरस को डिटेक्ट करेंगे अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट के थ्रू, ध्यान देंगे अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट। तो ये पूरा मैंने पहले फॉस्फोरस को कन्वर्ट कर लिया फॉस्फेट आयंस के अंदर या H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड के अंदर, ये याद रखनी लाइन, अभी तक कुछ भी नहीं किया हमने यहाँ पे, सिर्फ फॉस्फेट आयंस बनाए हैं फॉस्फोरस के, या फिर H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड बनाया है, अब इसके अंदर डालेंगे हम, अब ये टेस्ट है ध्यान रखना H3PO4, अब इसमें डालेंगे अमोनियम मोलिब्डेट, क्या डालेंगे अब, अमोनियम मोलिब्डेट NH4 होल ट्वाइस MOO4 अमोनियम मोलिब्डेट,
है ना, अमोनियम मोलिब्डेट डाल देंगे, अमोनियम मोलिब्डेट थोड़ा सा HNO3 और डालेंगे ताकि फॉस्फोरस एलोन फॉर्म में ना रहे, ऑक्सीडाइज फॉर्म में PO43 नेगेटिव फॉर्म में रहे। तो ये डाल दिया हमने अमोनियम मोलिब्डेट, अमोनियम मोलिब्डेट, तो इससे बनेगा अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट, इसका प्रेसिड बनेगा अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट, क्लियर, अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट। तो ये क्या होता है नोट करेंगे, अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट, अमोनियम फॉस्फेट सब फॉर्मुला बना लोगे, NH4O3PO4 .12MOO3, ये पूरा फॉर्मूला इसका .12MOO3। .12MOO3 तो ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट आता है, क्लियर, ये क्या आता है येलो कलर का प्रेसिपिटेट, येलो पीपीटी आता है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और येलो कलर भी किसका आता है, कैनरी येलो, कैनरी बर्ड होती है जो ज्यादातर यूएस में मिलती है, कैनरी येलो बोलते हैं इसको, कैनरी येलो, येलो प्रेसिपिटेट कैनरी येलो। सर बोलो सर, आपने अभी तक यही करा है डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस? हाँ बस और कुछ नहीं कराया अभी सर, एक बार ये रिपीट कर दी कि आज हमारा थोड़ा लेट ज्वाइन करा है आपने। कुछ नहीं, आज एक छोटी क्लास होगी, एक ही क्लास होगी, देख लेंगे एक बार जल्दी से। देखो सर, अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट दोबारा सुन लेंगे एक बार, अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट। तो इसमें क्या है, पहले हम फॉस्फोर, जैसे कल मैंने सल्फर को कन्वर्ट किया था सल्फेट आयन में, ऐसे ही मैं इधर फॉस्फोरस को कन्वर्ट करूंगा फॉस्फोरिक एसिड में, कैसे, यूजिंग सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक H2O2 और HNO3, ये यूज करेंगे और ये फॉस्फोरस चला जाएगा H3PO4 में। इसको हम फॉस्फेट आयन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे सिर्फ Na2O2 यूज कर लें, सिर्फ Na2O2 यूज करके हम इसको फॉस्फेट आयन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सही है, फॉस्फेट आयन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं Na2O2 यूज करके, या फिर ये है फ्यूजन मिक्सचर Na2CO3 प्लस KNO3, इसको बोलते हैं फ्यूजन मिक्सचर। सही ना, Na2CO3 प्लस KNO3, दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन मिक्सचर, इसको यूज करके हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, फॉस्फेट आयन के अंदर। तो अब यहां से ये टेस्ट स्टार्ट है, यहां से टेस्ट स्टार्ट है, फॉस्फोरिक एसिड आ गया, इसमें डाला मैंने अमोनियम मोलिब्डेट, इसमें डाला अमोनियम मोलिब्डेट, फॉर्मूला याद रखना है NH4O2MOO4, अमोनियम मोलिब्डेट, साथ में HNO3 डालेंगे, साथ में डालेंगे HNO3, तो मिल जाएगा अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट, क्लियर, अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट, ये येलो पीपीटी मिलेगा, कैनरी येलो, क्या मिलेगा, और इसको येलो पीपीटी मिलेगा, ध्यान रखना चीज का, पेपर ऑब्जेक्ट में यही आएगा, विच कलर प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इन अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट, इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं बहुत, और इसको हम बोलते हैं कैनरी येलो, कैनरी एक बर्ड होती है विच इज फाउंड मेनली इन यूएसए, समझिए कि नहीं है, तो ये येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, क्लियर, दिस येलो प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड, और साथ में NH4NO3 मिलेगा, साथ में इसके क्या मिल जाएगा NH4NO3, बैलेंस करोगे तो निकल जाएगा आंसर, सही ना, बैलेंस करोगे आंसर निकल जाएगा, और बैलेंसिंग में ये 12 आएगा, ये 21 आएगा, और ये भी इसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा, एक बार चेक करना कितना आ रहा है, ये 21 HNO3, 24 आ जाएगा, फिर 21 ये भी आ जाएगा, बैलेंस करोगे 12H2O, मेन तुम्हें ये याद रखना बस, इसको नहीं भूलना बस, ये है, और अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट में ये इसका फॉर्मूला कर लेंगे ना इसको, ये पूरा टेस्ट एज इट इज याद करना है, अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट, फॉस्फेट आयन के अंदर मैंने डाला अमोनियम मोलिब्डेट, अमोनियम मोलिब्डेट डालते ही अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट, अमोनियम फॉस्फेट तो सबको याद है NH4O3PO4, NH4O3PO4 .12MOO3, तो ये आ जाएगा अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट, क्लियर, क्या आ जाएगा ये अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट, येलो पीपीटी आ जाएगा इसका, ठीक है, अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट का येलो पीपीटी, कोई डाउट तो नहीं है, दो सर। तो ये इसको याद कर लेना साथ साथ, ये हो गया एक टेस्ट, दूसरा टेस्ट इसी के अंदर नाम याद करना है, ये था अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट, दूसरे टेस्ट का नाम है मैग्नीशिया टेस्ट, जैसे नीट के एग्जाम में पूछा व्हाट इज मैग्नीशिया मिक्सचर, मैग्नीशिया टेस्ट, तो मैग्नीशिया मिक्सचर क्या होता है, MgCl2 प्लस NH4Cl, इसको बोलते हैं, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज मैग्नीशिया,
दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज मैग्नीशिया, MgCl2 plus NH4Cl. सही ना, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज मैग्नीशिया. ये याद कर लेना इसको, ऑब्जेक्टिव्स में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं. तो अब जब हम डालेंगे H3PO4 है सपोज, इसमें मैग्नीशिया मिक्सचर डाल दिया MgCl2 plus NH4Cl, MgCl2 plus NH4Cl, तो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट मिलेगा पहले, Mg है NH4 है, Mg है NH4 है, तो साथ में क्या आएगा इसके, नेगेटिव वाला आयन कौन सा आएगा और कितने आएंगे, PO4 कितना आएगा, होल ट्वाइस आएगा, होल थ्राइस आएगा, सिंगल आएगा, क्या आएगा इसमें, देखो Mg पे 2 प्लस है, अमोनियम पे प्लस है, तो PO4 पे 3 नेगेटिव होगा ना, तो एक ही आएगा ये, तो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट ये आ गया. और ये होता है वाइट कलर का प्रेसिपिटेट, ये याद रखना जरूर, ये वाइट पीपीटी आता है, इसको हीट करते हैं जब, इसको हीट करते हैं जब, तो Mg2P2O7, क्लियर, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट ये इसका नाम है, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट. समझिए कि नहीं, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट टेस्ट, ये मैग्नीशियम मिक्सचर है. याद हो गया टेस्ट की नहीं, ये yes, याद sir. हो गया टेस्ट की नहीं. हाँ, तो ये यहाँ पे हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है ना वो खत्म हो गया. बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, 10 बार बोलोगे मन में अपने आप याद हो जाएगा, 10 मिनट के अंदर बोलोगे पूरा चैप्टर, ये क्वालिटेटिव खत्म हो चुका है. अब हमें करना है क्वांटिटेटिव, सही ना, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का तो अपने आप ही हो जाएगा, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, हेलोजन्स, सबकी जब हम परसेंटेज निकाल लेंगे सबकी, तो ऑक्सीजन की 100 में से माइनस करके निकाल लेंगे आसानी से. समझे कि नहीं, तो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लियर, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स अब करेंगे, क्लियर, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स. क्वालिटेटिव कर लिया हमने, अब है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, यानी क्वांटिटी निकालनी है, इसका मतलब न्यूमेरिकल्स. जिसको क्वालिटेटिव आता है उसको क्वांटिटेटिव में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, अगर तुमने याद कर रखा है तो. मन में बोलना इसको जरूर, तो याद होगा, जल्दी याद होगा सारा ये, ठीक है. तो नाउ क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के अंदर पहले हम करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन का, कार्बन और हाइड्रोजन, जैसे अगर याद हो तुम्हें क्वालिटेटिव एस्टिमेशन किया था, कार्बन हाइड्रोजन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है तो हमने उसमें डाला था क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो कार्बन जाता था CO2 में, हाइड्रोजन जाता था H2O के अंदर, कार्बन गया CO2 में, उसको लाइम वाटर से, CO2 गैस को लाइम वाटर से पास करते हैं, इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की, और ये मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी जैसे ही हम एक्सेस ऑफ गैस पास करेंगे, क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा जो कि सॉल्युबल होता है. और ऐसे हाइड्रोजन को जब हम पास करते हैं CuO से, तो H2O बनता है, H2O को जैसे ही हम ड्रॉप वाइज डालेंगे CuO4 के ऊपर, तो ब्लू कलर आ जाएगा, ध्यान होगा सारा ये कर रखा है हमने क्वालिटेटिव एस्टिमेशन के अंदर, है ना, क्वालिटी निकालने के लिए, यानी बताने के लिए कौन से ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है. अब हम कर रहे हैं क्वांटिटी के लिए, तो लिबिक्स मेथड है इसके लिए, लिबिक्स मेथड, है ना, लिबिक्स मेथड, समझिए कि नहीं है. तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसके अंदर क्या होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन, और भी एलिमेंट सोचते हैं, अभी हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन जरूर होगा, जैसे ही लिबिक्स मेथड में इसका कंबशन होगा, एक तरीका तो ये है, कंबशन किया इसका तो क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2O, क्या मिल जाएगा, CO2 प्लस H2O, समझे कि नहीं है, तो CO2 प्लस H2O मिल जाएगा. अब CO2 से कार्बन की कार्बन का मास आ जाएगा, H2O से H का मास आ जाएगा, तो उससे हम निकाल लेंगे, ये किया हो ना, क्या कहते हैं, मोल कंसेप्ट के अंदर, बहुत सिंपल तरीका था, CO2 मान लो तुम्हें 0.44 ग्राम मिल गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट था से 2 ग्राम, अब मैंने बोला पॉइंट कितना
परसेंटेज कार्बन का है, कितना परसेंट हाइड्रोजन का है, इस तरह से पूछा मैंने अगर, तो तुम कहोगे 44 ग्राम CO2 के अंदर 12 ग्राम कार्बन है ना, इसके अंदर एक कार्बन है और टोटल 44 ग्राम होता है CO2, तो 0.44 ग्राम में कितना ग्राम कार्बन होगा, 0.12 ग्राम निकालोगे ना 12 बाय 44 इनटू 0.44, तो ये कितना आ जाएगा यहां से 0.12 ग्राम आ गया। यस सर 0.12 ग्राम आ गया, तो 0.12 डिवाइड बाय 2 किसका बेटा है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इनटू 100 इनटू 100 कितना आ जाएगा ये 6%। नहीं समझ आया? आ गया सर, आ गया। ऐसे हाइड्रोजन की अगर बात करें, हाइड्रोजन के अंदर क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे 18 ग्राम के अंदर हाइड्रोजन H2O से निकलेगा। मान लिया ये मिल गया मेरे को 0.9 ग्राम, तो क्या लिखेंगे 18 ग्राम H2O के अंदर, 18 ग्राम H2O में कितना हाइड्रोजन है, 2 ग्राम है, 2 H है ना H2O के अंदर, 2 ग्राम H है, तो 0.9 ग्राम में कितना होगा 2/18 इंटू 0.9, है ना 2/18 इंटू 0.9, तो कितना आ गया ये 0.1 ग्राम, तो 0.1 ग्राम ही आ गया, तो 0.1 डिवाइड बाय 2 इंटू 100 कितना आ जाएगा ये 5%। नहीं समझ आया कैसे किया है, समझ गए कि नहीं? सर आ गया। हाँ, रेस्ट इसके अंदर ऑक्सीजन होगा, ये मान लो ऐसे मैंने एक एग्जांपल दिया है जस्ट करने के लिए कि ऐसे कैलकुलेशन करनी है इसकी, बाकी कुछ और होगा इसके अंदर। समझ आया इसमें कैसे निकाला कार्बन हाइड्रोजन एस्टिमेट, कार्बन और हाइड्रोजन का एस्टिमेशन कैसे हुआ, समझ आ गया सबको कि नहीं है? CO2 से C का वेट निकाला, C के वेट को डिवाइड किया ऑर्गेनिक कंपाउंड के वेट से, ऐसे ही H2O से H का वेट निकाला, H के वेट को डिवाइड किया ऑर्गेनिक कंपाउंड के वेट से, उससे H की परसेंटेज आ जाएगी, रेस्ट परसेंटेज विल बी ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट नोट करेंगे, एक तो ये लिविक्स मेथड के अंदर ही देखो एक तरीका बता दिया मैंने तुम्हें, दूसरा तरीका तुमने पढ़ा हुआ है, जैसे कार्बन है, कार्बन को मैंने CuO से पास किया क्यूप्रिक ऑक्साइड से, क्या बन जाएगा CO2, CO2 बन गया ना। अब ये CO2, ये कार्बन कहां पे है, फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड CO2 बना, अब ये CO2 ध्यान देना, अब ये CO2 इसको हम पास करेंगे KOH सब्सटेंस KOH से, KOH से पास करेंगे तो ये इसको CO2 को इमीडिएटली एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब CO2, तो जो इसका वेट बढ़ा होगा वो किसका वेट होगा, जो इसका वेट बढ़ा होगा किसका वेट होगा, CO2 का। तो मान लो पहले KOH की जो ट्यूब थी से वो 5 ग्राम की थी और अब वेट आया 5.2 ग्राम, तो CO2 का वेट कितना हो गया, CO2 का वेट कितना हो जाएगा, 0.2 ग्राम हो जाएगा, तो 0.2 ग्राम हो गया। तो अब हम आपसे निकाल लेंगे कार्बन का वेट, समझ गए कि नहीं है? ऐसे ही अब H है, H फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, H अगर प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो इसको हमने ट्रीट किया CuO के साथ, क्या बनता है इससे, कल बताया था ये H2O बन जाता है। अब इस H2O को पास करते हैं CaCl2 की ट्यूब से, CaCl2 की ट्यूब से पास करेंगे तो बन जाता है CaCl2.2H2O। जो इस ट्यूब का वेट बढ़ेगा वो वेट किसका होगा, वाटर का, जो इसके ऊपर मॉइस्चर आएगा उसका वेट जो बढ़ा होगा पता लग जाएगा इससे, तो उसके वेट से हम हाइड्रोजन का एस्टिमेशन कर लेंगे। आया समझ के नहीं ये? यस सर। तो ये पूरा लिविक्स मेथड, कोई डाउट तो नहीं है? दो सर, नो डाउट। हाँ, तो अब ध्यान देंगे, ये था हमारा लिविक्स मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, क्लियर, दिस वाज लिविक्स मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब हम पढ़ रहे हैं ड्यूमास मेथड, अब बहुत इंपॉर्टेंट एस्टिमेशन होगा नाइट्रोजन का, बहुत इंपॉर्टेंट एस्टिमेशन नाइट्रोजन का, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। ध्यान देना, इसके लिए दो मेथड्स हैं, ड्यूमास मेथड, दूसरा जेलडाल्स मेथड। ड्यूमास मेथड और जेलडाल्स मेथड, एक मिनट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूमास मेथड, जेलडाल्स मेथड,
ड्यूमास मेथड सबसे पहले इसका बेसिस क्या है, ये नाइट्रोजन को कैसे एस्टिमेट करता है, किसके फॉर्म में एस्टिमेट करता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। दोनों नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए है, ड्यूमास मेथड का कैसे एस्टिमेट करता है, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मिलेगी उससे एस्टिमेट करता है इसके वॉल्यूम कलेक्शन से, सही ना। इट इज बेस्ड अपॉन कलेक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड फ्रॉम दैट नाइट्रोजन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज एस्टिमेटेड। और जलडास मेथड अमोनिया गैस के बेस, इसको बेस मानता है अमोनिया गैस को, ये याद रखना तुम्हें इसके अंदर। ड्यूमास मेथड सबके लिए एप्लीकेबल है, ड्यूमास मेथड इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, सही ना। ड्यूमास मेथड इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, लेकिन जो जलडास मेथड है इसकी लिमिटेशन है, जलडास मेथड की लिमिटेशन मैं आगे भी बताऊंगा, वैसे सुन लेंगे एक बार। एक तो ये अगर नाइट्रोजन लिमिटेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी हुई ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, नीट में भी पूछी है और आईआईटी में भी, इसकी लिमिटेशन मैं अभी सिंपली बता रहा हूं तुम्हें। पहली लिमिटेशन, अगर नाइट्रोजन रिंग में है तो ये एप्लीकेबल नहीं है, जैसे पाइरीडीन C5H5N, पाइरीडीन। सेकंड, एजो कंपाउंड, अगर नाइट्रोजन इस फॉर्म में है तो ये एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा, अगर नाइट्रोजन अटैच है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन के साथ NO2, तो ये वैलिड नहीं है। इन तीन केसेस में एप्लीकेबल नहीं है, बात समझ आई कि नहीं, समझे कि नहीं, इन तीन केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। कोई डाउट किसी को? दो सर, ये तीन केसेस, नाइट्रोजन इन रिंग, लिमिटेशन बता दीजिए इसकी सर। क्यूबार्ट्स मेथड की पहली लिमिटेशन, ड्यूमास की कोई लिमिटेशन नहीं है। जलडास मेथड में तीन लिमिटेशन है, एक नाइट्रोजन जब रिंग में प्रेजेंट है तब वैलिड नहीं होगा, जैसे पाइरीडीन। नाइट्रोजन जब खुद के साथ अटैच्ड होगा एजो कंपाउंड्स में, ये एजो कंपाउंड होते हैं, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। और नाइट्रोजन अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, समझे कि नहीं है, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। रिंग में ये भी हो सकता है पायरोल, ये भी रिंग में पायरोल नाम है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। चलो अभी स्टडी करेंगे पहले ड्यूमास मेथड, सही ना, पहले स्टडी करेंगे ड्यूमास मेथड, वो जो कि सारे कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल है जिसमें नाइट्रोजन है। ड्यूमास मेथड फॉर नाइट्रोजन एस्टिमेशन, ड्यूमास मेथड फॉर नाइट्रोजन एस्टिमेशन, इसमें इसने किसको बेसिस माना था कि नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट चीज है, पूछते हैं पेपर में, ये नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है इसको बेस मानता है, इसको ये बेस मानता है। अब इसमें हम करते क्या है, जैसे इसमें भी हम क्यूप्रिक ऑक्साइड पास करते हैं, मैं पहले हिंट दे रहा हूँ तुम्हें, मेन रिएक्शन बता रहा हूँ, फिर थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी बता दूंगा इसको। जैसे कार्बन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हाइड्रोजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, या नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, नाइट्रोजन भी होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्योंकि हम इसको एस्टिमेट कर रहे हैं, तो हम इसको पास करते हैं किससे, CuO से। तो यहाँ बना CO2, यहाँ पे H2O के वेपर्स, और यहाँ पे नाइट्रोजन तो हाईली इनर्ट गैस है, N ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, रिएक्ट ही नहीं करेगा CuO के साथ, तो N2 एज इट इज मिल जाता है, या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन मिल सकती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो सकता है, ये भी मिल जाए, जैसे N2O, NO2, N2O5 इस तरह से ये मिल सकती है, इसलिए हम इसको पास करते हैं दोबारा किससे, CU से, कॉपर गेज से पास करते हैं, ताकि जो भी ये कन्वर्ट हुआ है ऑक्साइड्स के अंदर वो रीबैक कन्वर्ट हो जाए नाइट्रोजन में, इसलिए यहाँ पे कंप्लीट मिल जाएगा नाइट्रोजन प्लस CuO अलग, समझ गए कि नहीं। और इसके वॉल्यूम से अब हम इसके वॉल्यूम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और उससे हम क्या निकाल लेंगे, नाइट्रोजन का वॉल्यूम या मास, जो भी निकालना, यहां से नाइट्रोजन का वॉल्यूम एस्टिमेट करेंगे, यहां से कलेक्ट करेंगे नाइट्रोजन को, और उससे हम नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालेंगे। कोई डाउट यहां पे किसी को, जो समझाया अभी, और जो CO2 और H2O मिला है, ध्यान देंगे जो CO2 और H2O है, फिर ये ना KOH के साथ पास करने के बाद KOH, CO2 को तो ये KOH आसानी से अब्सॉर्ब कर लेगा, CO2 को तो KOH जो है आसानी से अब्सॉर्ब कर लेगा, और H2O जो है इसके साथ मिलकर एक सॉल्यूशन बना देगा, H2O के वेपर से ना वो इसके साथ मिलकर सॉल्यूशन बना देंगे, तो H2O भी खत्म हो जाएगा, या थोड़ा बहुत मान लो वाटर आ भी जाता है इस नाइट्रोजन के साथ, तो वो अपना प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन,
उसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो भी प्रेशर आ रहा है नाइट्रोजन का उससे उसको हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मान लिया 715 एमएम पे मिल गई नाइट्रोजन गैस, 715 एमएम पे नाइट्रोजन गैस मिल गई और वाटर जो है वाटर वेपर्स हैं से 15 एमएम, वाटर वेपर्स 15 एमएम है और ये कलेक्ट किया हमने से 273 डिग्री सेल्सियस पे, ये हमने कलेक्ट किया इसको 273 डिग्री सेल्सियस पे, 273 डिग्री सेल्सियस पे कलेक्ट किया इसको और मिला वॉल्यूम इसका 100 ml वॉल्यूम मिला। तो मैंने कहा एसटीपी पे कितना वॉल्यूम मिलेगा, मैंने बोला एसटीपी पे कितना वॉल्यूम मिलेगा, तो तुम लिखोगे P1 प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया 715 माइनस 15, ये कर रखा था हमने 600 मीटर में, 700 एमएम हो गया और टेम्परेचर कितना हो गया T1 273 डिग्री सेल्सियस है, 546 हो जाएगा केल्विन और वॉल्यूम वॉल्यूम कितना है नाइट्रोजन का 100 ml, वॉल्यूम कितना है नाइट्रोजन का 100 ml। तो यहां से आ गया प्रेशर ऑफ N2 T1 V1। अब यहां पे हमें एसटीपी पे निकालना है इसको, तो P2 कितना हो जाएगा 760 mm, T2 एसटीपी पे कितना होता है 273 केल्विन और V2 हमें निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे P1 V1 / T1 P2 V2 / T2। कोई डाउट, न्यूमेरिकल भी बता दिया मैंने साथ साथ इसका, एक नहीं समझ आया नहीं सर नहीं समझ आया, दोबारा देखेंगे, बार दोबारा सुनना बहुत ध्यान से, किसी भी बच्चे को समझ आया है कि नहीं, चलो एक बार देख लो, दोबारा देखो, देखो ड्यूमाज मेथड हम स्टडी कर रहे हैं फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, क्लियर, वी आर स्टडिंग ड्यूमाज मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो इसके लिए हमने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ध्यान सुनना बिल्कुल, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है हाइड्रोजन है नाइट्रोजन है तीनों प्रेजेंट है, तीनों को पास किया मैंने CuO से क्यूपरिक ऑक्साइड से, तो कार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में था वो कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में, हाइड्रोजन था वो कन्वर्ट हो जाएगा H2O में और नाइट्रोजन था वो कन्वर्ट हो जाएगा वो तो रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, इसका बॉन्ड नंबर 3 है, इनर्ट गैस है बॉन्ड नंबर 3 है, हो सकता है थोड़ा सा नाइट्रोजन रिएक्ट कर जाए तो स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बन जाएगा, इसलिए हम कॉपर गेज से इसको दोबारा पास करेंगे ताकि जो भी ऑक्साइड बनी है नाइट्रोजन की वो रिकन्वर्ट हो जाए किसमें नाइट्रोजन के अंदर और CU ऑक्सीडाइज हो जाए CuO के अंदर, ये मिल गया। अब ये नाइट्रोजन हम कलेक्ट कर लेंगे, इसका वॉल्यूम जो हम कलेक्ट करेंगे साथ में CO2 और H2O भी आ सकते थे इसलिए हमने KOH से पास किया, KOH से जब पास करेंगे तो N2 गैस तो अनटच रह जाएगी लेकिन CO2 को KOH इमीडिएटली, क्योंकि KOH बेस है CO2 एसिडिक गैस है तो उसको इमीडिएटली एब्जॉर्ब कर लेगा, इसको तो जाने नहीं देगा बिल्कुल भी, और H2O जो है क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होता है तो इसलिए H2O और ये वेपर फॉर्म में है तो ये इसके साथ क्या बना लेता है सॉल्यूशन बना लेता है, ये इसके साथ एक बेसिक सॉल्यूशन बना लेता है, तो इसलिए इसको भी नहीं जाने देता वाटर को भी, लेकिन मान लो अगर थोड़ा बहुत वाटर आ जाता है तो वो भी वेपर की फॉर्म में अगर आ जाता है तो वो अपना प्रेशर क्रिएट करेगा जिसको हम क्या बोलते हैं एक्वस टेंशन, उसको हम क्या बोलते हैं एक्वस टेंशन। तो अब ये नाइट्रोजन जो आई है ये मरकरी सील जो होती है उसको ब्रेक करके आती है, मरकरी सील को क्रॉस करके आती है, तो उसमें नाइट्रोजन भी होगा और थोड़ा बहुत वाटर के वेपर्स भी होंगे। तो अब मान लिया मैंने टोटल प्रेशर जो आया ऊपर वो 715 mm है और 15 mm था एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन क्या होता है प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स, क्लियर, प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स था 15 mm ये था। तो अब हम क्या करेंगे अब मेरे को इसका और वॉल्यूम कलेक्ट जो हुआ था नाइट्रोजन का वो था 100 ml जिसमें वाटर वेपर्स भी थे। अब मैंने तुम्हें बोला कि अब इस वॉल्यूम को जो नाइट्रोजन का वॉल्यूम है इसको कन्वर्ट करो एसटीपी पे कन्वर्ट करना है, तो प्रेशर हमारा नाइट्रोजन का था 700 mm, टेम्परेचर था 546 केल्विन, वॉल्यूम था 100 ml। अब इस वॉल्यूम 100 ml को मेरे को कन्वर्ट करना है किसमें एसटीपी पे, तो प्रेशर 2 कितना हो गया 760 mm जो कि एसटीपी पे 1 atmosphere होता है, T2 जो है 273 केल्विन होगा, T2 एसटीपी पे जो टेम्परेचर होता है और वॉल्यूम जो है वो हमें निकालना है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे P1 V1 / T1 = P2 V2 / T2 P1 V1 / T1 = P2 V2 / T2 इससे हम निकाल लेंगे वॉल्यूम V2। नहीं समझ आया अभी चेक करो समझ आया कि नहीं है, समझ आया कि नहीं है बोलो सर, थोड़ा थोड़ा है। नहीं इसमें क्या दिक्कत आ रही है, इसमें अभी तो मैंने कराया पूरा डिटेल कराई भी नहीं है इसकी, चलो एक बार और देख लो फिर दोबारा देखो कुछ नहीं होता,
किसी को समझ नहीं आया? श्रुतिका, सताक्षी? यस सर। नहीं समझ आया सर, ये न्यूमेरिकल समझ नहीं आया मेरे को। न्यूमेरिकल तो ये तो स्टेट्स ऑफ मैटर का न्यूमेरिकल है, ये तो तुमने किया हुआ ना। मान लो ये वॉल्यूम 100 ml है नाइट्रोजन का। नहीं सर, वो तो समझ आ गया, ये वैल्यूज कैसे लिए आपने? वॉल्यूम ये देखो, प्रेशर 715 mm था नाइट्रोजन जिस प्रेशर में कलेक्ट हुआ है, लेकिन साथ में पानी का प्रेशर भी था 15 mm का, तो वो मैंने माइनस कर दिया दोनों को, तो 700 mm प्रेशर हो गया ड्राई नाइट्रोजन का, प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन हो गया ना ये। और टी वन था मैंने 273 डिग्री सेल्सियस में कलेक्ट किया था इसको, तो टी वन कितना हो गया 546, डबल कर देंगे इसका। वी वन है 100 ml, अब इसको एसटीपी पे कन्वर्ट कर लो, पी वन वी वन बाई टी वन इज़ इक्वल टू पी टू वी टू बाई टी टू से। नहीं समझ आया अभी? आगे सर, आगे क्लियर है, आ गया आना चाहिए समझिए। तो मोल के सर ये तो बताना नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि ये तो मैंने बहुत डिटेल में लिया हुआ सब कुछ। चलो एक बार और देखेंगे जल्दी से, जितना बताया उतना सफिशिएंट है, वैसे इतना ही करना है तुम्हें, एक बार और देख लो। अगर ये हो जाता तो देखो, मैंने यहाँ पे मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली बता देता हूँ उसको। मान लो यहाँ पे लिया मैंने, यहाँ लिया मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड साथ में CuO डाला। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है मेरे पास? कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन तीनों है, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन तीनों है यहाँ पे, ये यहाँ पे और साथ में CuO, और यहाँ पे यूज किया मैंने कॉपर का गेज, ये कॉपर गेज है, कॉपर ये कॉपर गेज यूज कर रखा टू कन्वर्ट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बैक टू नाइट्रोजन। ये समझ आया आप तक कि नहीं? और उसके बाद मैंने यहाँ पे, यहाँ से क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस CuO, तो यहाँ से क्या निकलेंगी गैसेस? सर CO2 निकलेगी, एक H2 और एक N2। और अच्छे, ये गैसेस निकलेंगी यहाँ से। देखो जितना डायग्रामेटिकली मैं बता सकता हूँ उतना देख लूंगा एक बार। ये यहाँ से आ गया, तो यहाँ पे नीचे ये है मरकरी की सील, यहाँ पे क्या है मरकरी की सील, यहाँ से N2 गैस, यहाँ से N2 गैस प्लस CO2 गैस प्लस H2O के वेपर्स, ये तीनों पास करेंगे, समझिए नहीं, ये तीनों पास करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे ऊपर हमने लगा रखा है क्या, यहाँ पे KOH, यहाँ KOH पूरा, ताकि CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर सके, और ये आगे भी ना कन्वर्ट होता है, कॉन्टैक्ट में होता है, ऐसे दिखा रखा होता है, हालांकि बताने की जरूरत नहीं है अभी, है क्योंकि मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया इसको। यहाँ पे आगे कनेक्टेड होता है ये, इसमें यहाँ से कनेक्टेड होता है KOH के साथ, ये भी KOH है, यहाँ पे भी KOH होता है वेसल के अंदर, यहाँ KOH प्रेजेंट होता है सेम लेवल पे, सेम प्रेशर होता है इसका भी, यहाँ पे और यहाँ पे लेवल सेम होता है दोनों जगह, ये भी KOH है यहाँ पे। तो अब यहाँ से जब N2 गैस CO2 गैस और H2 गैस पास करेंगी, तो N2 गैस यहाँ पे आ जाएगी, इधर ऊपर कलेक्ट हो जाएगी, N2 गैस क्या होगी, ये ऊपर कलेक्ट हो जाएगी यहाँ पे, कलरलेस इनर्ट गैस होती है, ये ऊपर कनेक्ट हो जाती है, साथ में वाटर के वेपर्स भी आ सकते हैं, यहाँ N2 गैस है प्लस हो सकता है कुछ वाटर के वेपर्स हो, जो कि एक्वस टेंशन प्रेशर क्रिएट करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं एक्वस टेंशन, ये चीज होती है इसके अंदर, यहाँ तक ये चीज होगी यहाँ पे। और इसके अलावा और तो कुछ, और CO2 को तो एब्जॉर्ब कर ही लिया है, वाटर के वेपर्स भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे नीचे, यहाँ पे सॉल्यूशन बन जाएगा वाटर का, जो H2O था वो यहाँ पे KOH के क्या बना देगा, सॉल्यूशन बना देगा, और CO2 गैस यहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हो जाएगी सारी, कुछ यहाँ पे भी एब्जॉर्ब हो जाएगी, अलग से भी KOH ले रखा है तो उधर भी एब्जॉर्ब हो जाएगी CO2 गैस। और ध्यान रखना कि यहाँ पे ना एक चीज और लगाते हैं, इधर कई बार पूछ सकते हैं पेपर के अंदर कि यहाँ पे हम इधर अलग से, ये थोड़ा सा इधर, ये यहाँ पे हमने ध्यान देंगे, इधर हमने लिया हुआ है NaHCO3, NaHCO3 को हीट कर रहे हैं यहाँ पे, NaHCO3 को हीट कर रहे हैं, और CO2 क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि NaHCO3 को हमने स्टार्टिंग में यूज क्यों किया, जबकि NaHCO3 को तो हम यहाँ पे सारा एब्जॉर्ब करा रहे हैं, सही ना, CO2 को तो हम यहाँ सारा एब्जॉर्ब करा रहे हैं,
और ये तो आसानी से हीट करते पर क्या प्रोड्यूस करता है, CO2 plus H2O plus N2CO3, तो हमने पढ़ी है ना रिएक्शन, ये रिएक्शन हमने पढ़ी है कि नहीं? यस सर। यहां कंसर्न रेज़ टू 4। यस सर। है ना, अब CO2 गैस यहां से क्यों मैंने यहां पे डाली अंदर, इधर CO2 गैस जा रही है, CO2 गैस जा रही है यहां पे, Na2CO3 सॉलिड है ये तो रुक जाएगा, H2O जो है उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, कंसंट्रेटेड H2O4, H2O कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, कंसंट्रेटेड H2O4, H2O कंसंट्रेटेड H2O4 एब्जॉर्ब कर लेगा, और CO2 गैस जो है, CO2 गैस जो है वो यहां से प्रेशर मारेगी, CO2 गैस यहां से प्रेशर मारेगी तभी तो यहां से CO2 गैसेस बाहर निकलेंगी, ये सिर्फ प्रेशर मारने के लिए, और बाद में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगी, और CO2 गैस ही क्यों ली, ताकि वो KOH के साथ एब्जॉर्ब हो सके, इसीलिए कोई और गैस नहीं ली। नहीं समझ आई बात, ये समझ आई बात कि नहीं? समझ में आ गई, KOH से एब्जॉर्ब कर लेगी सर। हाँ, और CO2 गैस क्यों ली मैंने, जबकि मैं CO2 को यहां एब्जॉर्ब करा रहा हूं, सर एब्जॉर्ब हो जाएगी ना KOH के द्वारा, ये तो नहीं ना, ली क्यों मैंने यहाँ पे सर, प्रेशर क्रिएट करने के लिए कि जो गैस बनी है वो आगे जा सके। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वो प्रेशर क्रिएट करने के लिए, ताकि सारी गैसेस आगे जाके पुश हो सके, जो यहाँ पे CO2 थी H2O के वेपर से इधर थे ना, CO2 H2O के वेपर, ये इनको धक्का मारने के लिए, इनको पुश करने के लिए, टू डेवलप फोर्स ओवर हेयर सो डेट दे कैन बी इजिली मूव्ड ओवर दिस ट्यूब, यहाँ पे हाइड्रोजन जो Hg की सील है इसके थ्रू आसानी से ऊपर जा सके और कलेक्ट हो सके, और KOH उस गैस को वापस एब्जॉर्ब कर लेगा, और कंसर्न H2O4 के लिए यूज किया था, ताकि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, ताकि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, समझ गया कि नहीं? ये नहीं समझ आया अभी? यस सर, अब आ गया, क्लियर है बिल्कुल, कोई डाउट तो नहीं है, अब पूरा समझ आ गया, तीन बार एक्सप्लेन कर दिया, ये डायग्राम के थ्रू भी बता दिया है, डायग्राम हालांकि बड़ी क्लासेस में इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी इसमें मैंने एक आध बात इंपॉर्टेंट है जो बता दी, कि NaHCO3 क्यों यूज किया है, जबकि हम CO2 को तो एब्जॉर्ब ही करा रहे हैं, समझ गया कि नहीं? यस सर। चलो अभी क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह, हालांकि मैंने हिंट दे दिया एक न्यूमेरिकल का, इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह मैं तुम्हें बाद में कराऊंगा, और इसमें साथ में मेरे को करवाना है तुम्हें भी जेलडाल्स मेथड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशंस भी हैं उसकी, वो सब बताऊंगा, और इसके अलावा केरियस मेथड है जिसमें फॉस्फोरस सल्फर और हैलोजन्स का एस्टिमेशन होगा, फॉस्फोरस सल्फर और हैलोजन्स का एस्टिमेशन होगा, वो भी कराऊंगा बाद में न्यूमेरिकल्स के साथ, यहां तक रट देना बिल्कुल पूरा, मेरे मतलब मेरी नेक्स्ट क्लास से पहले 10 बार तुम्हें मन में बोला होना चाहिए, ताकि मैं तुमसे पूछूं और तुम्हें याद हो सारा, समझ गए कि नहीं? ये अब न्यूमेरिकल्स वाला काम रह रहा है, ड्यूमाज मेथड तो बता दिया मैंने, अब जेलडाल्स मेथड और केरियस मेथड में तीन कौन कौन से, फॉस्फोरस सल्फर और हैलोजन्स, और जो मैंने अभी जेलडाल्स की लिमिटेशन बताई है वो सेम लिमिटेशन बताओ किसकी थी, पीछे बताया हुआ मैंने, वो सेम लिमिटेशन किसकी थी, जिसने पढ़ा होगा उसको याद होगा, जेलडाल्स नहीं, कोई नहीं पढ़ रहा इसका मतलब, नहीं फिर तुम लोग नहीं पढ़ रहे, मतलब कोई तुम्हें से नहीं पढ़ रहा, सोडा लाइम टेस्ट में किसने बोला था ये, सर अभिषेक, हाँ अभिषेक बहुत अच्छे, सारा पढ़ के रखना ढंग से, नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे क्लास इसकी आगे, सही ना, नेक्स्ट टाइम क्लास होगी, और थोड़ा सा कोऑपरेट करना, मैं पहले बताऊंगा तो बता दूंगा, नहीं तो बाद में बताऊंगा तुम्हें, ओके सर, ओके थैंक यू सर, थैंक्स, थैंक यू सर।